एनसीबी द्वारा करण जौहर को एक नोटिस भेजा गया। नोटिस था 2019 की पार्टी से रिलेटेड। टाइम बाउंड था दिसंबर 18, दैट मीन्स आज तक का टाइम बाउंड था कि आपको सारे डिटेल्स, एविडेंसेस और जितने भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं रिलेटेड टू दिस 2019 पार्टी आपको प्रोवाइड कराना है एनसीबी में। आप खुद आ सकते हैं और अगर खुद नहीं भी आ सकते हैं तो आप किसी के थ्रू भेज सकते हैं। ये एक ऑप्शन था करण जौहर के पास। हालांकि अब ये खबर आ रही है कि करण जौहर के वकील ने एनसीबी ऑफिस में इस पार्टी से रिलेटेड जितने भी एविडेंसेस थे वो प्रोवाइड करा दिए हैं और जितने भी स्टेटमेंट्स जारी किए गए थे करण जौहर द्वारा वो भी एनसीबी को दे दिया है, हैंड ओवर कर दिया है। हालाँकि मामला अब एनसीबी के हाथ में है, पेन ड्राइव मिल चुका है, डिटेल्स आ चुकी हैं, लेकिन एनसीबी की अपनी भी फाइंडिंग्स हैं। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि किस तरह से एनसीबी अपने डीएफएस अहमदाबाद गुजरात में चीज़ों को खंगाल रही है। 85 गैजेट्स, 25 ड्रग सैंपल्स, प्रोक्योरमेंट्स इसराइल से टू अनलॉक द इक्विपमेंट्स जो कि भेजे गए हैं एनसीबी द्वारा ड्रग केस मामले में, कोई हल्की बात नहीं है। आने वाला टाइम बड़ा ही मुश्किलों का हो सकता है उन लोगों के लिए जो कि गलत काम में लिप्त हैं। खैर, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। एनसीबी अब इन जवाब पर क्या बताती है, क्या निकल कर आता है, ये देखना और समझना होगा, क्योंकि उस बॉलीवुड पार्टी में काफ़ी ऐसे सेलिब्रिटीज़ अवेलेबल थे जो कि टॉपर्स हैं बॉलीवुड के। नाम बताने की ज़रूरत है नहीं, आप लोगों को पता है 2019 की वो वायरल वीडियो, उस पार्टी में कौन कौन था। तो हालांकि अब पूरी लिस्ट, पूरा डिटेल, पूरी वीडियोस, पूरा मामला, जो भी कुछ अवेलेबल था, ये खबर आ रही है कि वकील द्वारा पहुंचा दिया गया है एनसीबी ऑफिस। तो आने वाले टाइम में देखते हैं कि क्या आता है एनसीबी से ड्रग केस मामले में। लेकिन ये एक खबर जो कि मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस और शेयर करूं, क्योंकि कल की ब्रेकिंग थी और आज उस पर कार्रवाई हो गई है। करण जौहर ने डिटेल्स हैंडओवर कर दिए हैं। तो लेट्स वेट एंड लेट्स सी कि क्या रहेगा नेक्स्ट। तो फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ कुछ देर में। धन्यवाद।